वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस गिवन टू अस हियर ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ़ द मैथमेटिकल फंक्शन इज गिवन टू यू ऑल फंक्शंस लिस्टेड हेयर आर इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स। सिमिलरली हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारे स्टिकल फंक्शंस के नाम दिए गए हैं इन सभी स्ट्रेटिकल फंक्शंस के ऊपर अलग से वीडियोस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे परम्यूट एंड कॉम्बिन फंक्शन की दिस इज पार्ट टू आइएगा मूव करते हैं परम्यूट और कॉम्बिन फंक्शन के ऊपर इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो एज टू तो सेव टाइम सबसे पहले हम परम्यूट के पर्पस को देखते हैं इट रिटर्न द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोटल ऑब्जेक्ट्स कॉम्बिन फंक्शन केस के अंदर इट रिटर्न द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट हमें यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं लैपटॉप डेस्कटॉप एंड टैबलेट इन तीनों आइटम्स को लेकर हमने परम्यूट फंक्शन और कॉम्बिन फंक्शन को इंटरप्रेट करना है सबसे पहले मैं इनका यहां पे सॉल्यूशन जेनरेट कर रहा हूं परम्यूट के केस के अंदर इक्वल टू नंबर मेरे पास यहां पर तीन आइटम्स हैं सो so, मैंने नंबर तीन दे दिया नंबर चूजन मुझे हर बारी तीन आइटम की ही कॉम्बिनेशन को चाहिए तो मैंने तीन नंबर एक बारी फिर दे दिया पेरेंथ क्लोज आई एंटर परम्यूट फंक्शन आंसर्स में आप यहां पर सिक्स कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं मैं इसी चीज को कॉम्बिन फंक्शन के अंदर टेकअप करता हूं इक्वल टू कॉम्बिन नंबर हमारे पास तीन आइटम लिस्ट के अंदर दी गई है हर बारी आपने तीन नंबर ही लेके एक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करना है पेरंथिस क्लोज आई प्रेस रन कॉम्बिन फंक्शन ने हमें आंसर दिया वन मैं आपके सामने इन दोनों आंसर्स को वेरीफाई करना चाहता हूं so, सो मैं यहां पर इस केस के अंदर लैपटॉप सेकेंड इज डेस्कटॉप द थर्ड वन इज टैबलेट। ये मेरा फर्स्ट कंबिनेशन बन गया लेकिन अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो ये एक डिफरेंट कम्बिनेशन माना जाएगा इस बारी मैंने टेबलेट पहले कर दिया और डेस्कटॉप बाद में दे दिया सेकेंड केस के अंदर मैं डेस्कटॉप पहले ले रहा हूँ और इस जगह के ऊपर मैं लैपटॉप और इस जगह पे मैंने टेबलेट को दे दिया नेक्स्ट केस के अंदर मैं इसके ऑर्डर को स्लाइटली चेंज कर दूंगा डेस्कटॉप

एंड दिस इज लैपटॉप तीन आइटम हैं और हर बारी हमने तीन आइटम्स को ही चूज करना है वी कैन हैव सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए परमिटेशन इज ऑर्डर्ड कम्बिनेशन ऑर्डर्ड कम्बिनेशन मीन्स अगर आप इसके अंदर इन चीजों का ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो वह एक अलग कम्बिनेशन माना जाएगा जबकि कॉम्बिन फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है मैं ये चीजें लिखने की बजाय आपको कॉपी करके नीचे दे रहा हूं मैंने कॉम्बिन फंक्शन के अंदर भी इन्हीं चीजों को दे दिया स्टूडेंट इसके अंदर नोट कीजिएगा कॉम्बिन फंक्शन के अंदर विद ए कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर इनका ऑर्डर चेंज हो गया है लैपटॉप डेस्कटॉप टेबलेट लैपटॉप टेबलेट डेस्कटॉप इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन ये ऑर्डर मैटर नहीं करता इट मीन्स ये इस कॉम्बिनेशन को इक्वल्स मानता है यहां पर जितने भी हमने कम्बिनेशन बनाए हैं ये सारे कॉम्बिनेशन इक्वल हैं ऑल दीज कम्बिनेशंस आर वन एंड द सेम थिंग अगर इसके अंदर कुछ ऑर्डर चेंज कर दिया गया है इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस सो विद द कम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर जब ये सारे एक ही हैं तो हमें कॉम्बिन फंक्शन ने आंसर दिया वन मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए फंक्शन जो हमने यूज़ किया वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सिमिलरली हमने कॉम्बिन के केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि यह फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिर्फ इतनी बात को याद रखिएगा परम्यूट फंक्शन डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो तो उनको अलग अलग मानता है कॉम्बिन फंक्शन अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो उनको एक ही मानता है उसको डिफरेंट नहीं मानता हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इन तीन जगह से ये फोटोग्राफ्स को लिया है थैंक यू वेरी मच